हर हर महादेव। सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो दोस्तों, आज है सावन का सोमवार और आज हमने डाली है साड़ी ग्रीन कलर की। और इसको मैं बहुत पहले से पहनने का मन था, बट इसका ब्लाउज स्टिच नहीं था तो मैंने ब्लाउज स्टिच करा लिया, तो आज पहन ली। और ये साड़ी मेरी मम्मी जी ने मुझे, मेरा एनिवर्सरी जब था तो गांव में ही थी, तो मम्मी जी ने मुझे ये गिफ्ट किया था, ये साड़ी। और एक कान का झुमका गोल्ड कलर का है, अभी दिखाते हैं आप लोग को। मैं नहीं शेयर की थी वीडियो, इधर देखिए इसको। कोई चीज़ चुराता है मेरा ना, तो ऐसे छुपता है, तो बस छुपा है कुछ चीज़ लेके। मेरे गले का नेकलेस में पहनने वाली थी ना, वो भी मुझे पैर का लग करना। मैं जस्ट पूजा कर ली हूँ और पूजा करके मतलब चाय पानी पी ली हूँ, और मिस्टर जी ऑफिस भी चले गए हैं। तो चलिए बस स्टार्ट हो गया सोमवार। हम क्या साड़ी पहले ग्रीन कलर तरह का। और ये पता है दोस्तों, इसका ब्लाउज ये नहीं है, इसकी किसी और साड़ी का, वो भी मम्मी जी के ही साड़ी का ब्लाउज है। तो बोली हमको मतलब ब्लाउज तुमको होगा नहीं, बोली तुम स्टिच करा लो, पहनना किसी साड़ी और इसके साथ पूरा मैच करा। इस साड़ी का ब्लाउज मम्मी जी स्टिच कराए थे, पर इस साड़ी पहनी नहीं थी, वो ब्लाउज टेलर को दी थी, वहीं खो गया। मतलब जिसको दी थी सिलने के लिए, वो दिया ही नहीं, मतलब खो ही गया, उसके ही घर से खो गया। तो बस मम्मी एनिवर्सरी था, मम्मी जी बोली लो पहन लो तुम्हें, जिसके अंश में जो चीज़ें होता है वही पहनता है। बोले चीज़ें मेरी मम्मी जी का आशीर्वाद है, प्यार है। आ रहे तुमको, हम तुम्हारी पिटाई करते हैं, तुम ना है कान का झुमका, छोटू सा प्यारा सा है ये। मैं वहाँ गांव में पहनती थी जब से मुझे दी थी मम्मी जी, यहाँ आके मैंने निकाल के छोटा सा पहन डालती हूँ, क्योंकि ड्रेस के ऊपर ना ये अच्छा नहीं लगता, ड्रेस ऊपर नहीं अच्छा लगता, तो इसके लिए साड़ी भी बहुत जचता है। मैं मुझे बहुत पसंद था, बहुत सोच रही थी ऐसा छोटू सा लेने से, तो मम्मी जी ने दिया। उस बार दी थी मंगलसूत छोटा सा था, मतलब एक लॉकेट वाला, हो तो गया। सासू माँ का पहन दी, उनका आशीर्वाद है, सोमवार है साड़ी। अभी तो इसके साथ मैं ये पहने ही मैच कर रहा है। अरे यार तुम क्यों आते हो, जरा से खोलती कोई चीज़ तुम पहुँच जाते हो। बाबू आगृति इसको पकड़ो। तो भाई अब ऐसे सोमवार स्टार्ट होता था, आज लास्ट ही रहता सोमवार, लेकिन अभी चार और रहना है, चार हो गया। बेटा उसको पकड़ो ना, आपका बुक सब फाड़ देगा, सो भी नहीं रहा है गधा की, सो जाए, सो लो लल्ला बेटो। तो बस जो सुबह के कपड़े में धुली, सोचिए 7 बजे में कपड़े 7:30 बजे धुली हो, अब जाके शाम को समय डाल रही हूँ, मतलब 5 तक बज रहा है। तो बस अभी मुझे मंदिर जाना है, हमने साड़ी सूट डाल दी हूँ, साड़ी निकाल दी क्योंकि उस बहुत पहले निकाल दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। और सिल्क की साड़ियाँ जो होती है ना, अच्छे से प्लेट वगैरह नहीं बैठता, डाउन पोला में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो हम इसीलिए निकाल दिए। और तो बस अभी ड्रेस डाल ली हूँ, अभी इसके बाद फलाहार बनाऊँगी, फिर मंदिर आज मुझे जाना है, और बस उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। सारे कपड़े पहले मैं फैला दूँ, फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ।
यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया, तो यहाँ लड़ाई हो रही है कि कौन सबसे पहले खोलेगा, हमके जो जीतेगा पहले वही खोल पाएगा। तो ये देखिए अपना जोर इतना लगाता है मार की, मतलब जीतना चाहता है। इसका हाथ अभी ना बहुत चलने लगा, जो कि मैं डांटती मारती पर इसको असर ही नहीं है। और बेचारी मेरी बेटी बड़ी में रह जाती है, वो जरा सो करती है डांट भी खा जाती है मेरा, क्यों छोटा है ना, उसका इग्नोर करो, उसको नहीं बुद्धि है, तुमको तो है। और बेचारी इसको उल्लू बना के सोच रही है, पर पता है इतना तेज वो करता है, मारता है, बाल खींच लेता है, मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं डांटूंगी ना तब जाके भगता है। अब गुस्सा होकर दूसरे रूम में गया है, और फिर उसके बाद फिर अपने आप आएगा, कोई मनाता नहीं है, फिर से आ जाता है। इसको लगे कोई हमके तुम्हारी तो आदत हो जा रही, तुमको नहीं जा रहे मनाने। तो मेरा पार्सल हमने किचन के लिए कपड़ा मंगाया था, मेरा सब ख़राब हो गया था, तो इसलिए मंगाई हूँ। अच्छे प्राइस में मिल गया, मतलब कि कितना लगा है 1200 है। तो ये इन कोई भी पार्सल आएगा तो इनको मम्मा मैं पहले खोलूँ, उनको खोल लो तुम ही, अगर तुमको अच्छा लगा मज़ा मिलता हो तो। तो हो गया, यही है दोनों की लड़ाई के साथ पैकिंग। मेरी पार्सल खुल रहा है, देखो कौन जीतता है मैदान में, कौन हारता है। ये देखो इसकी रोता है, मारता है, पहले हाथ इसका चलता है। तो देखिए कुछ नैपकिन ये है और 1200 है। सब मेन चेयर एक ही कलर का दे दिया था, हम रिटर्न करने वाले थे, फिर बोले छोड़े यार क्या रिटर्न करना है, यूज़ तो होगा, कपड़े तो है ना। तो हो गया यही मंगा, अभी इससे पहले एक दो साल पहले मंगाई थी 1200, तो यूज हो गया, अभी फिर से एक मंगा रही हूँ। तो चलिए मंदिर आगे दिया रखने के लिए, तो यहाँ दिया रख दो, 5 जगह दिया रखूँगी भगवान जी के पास, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, और तुलसी माँ, बेलपत्र, सब जगह 5 जगह मम्मी जी बोली दिया रख देना। तो हम के चलो रख दिया आ रहे हैं। और फिर हो गया आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है दोस्तों। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और भोले बाबा अपनी कृपा अपने बच्चों पे हमेशा बनाए रखे, और मेरा वीडियो जो देख रहा है उनको ढेर सारा प्यार दे, आशीर्वाद अपना दे। और चलिए मेरा तबीयत पता है दोस्तों नहीं ठीक है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, कोल्ड हो गया, मतलब बारिश हो रहा है नहीं, फिर ऐसे निकलो धूप में जाओ इधर उधर ना, मुझे जुकाम हो गया। मेरे घर में सबको जुकाम हो गया, आकृति अब मेरे हस्बैंड को, सब लोग को जुकाम हो गया, होता नहीं एक जगह लोग को होता है तो सबको हो जाता है वायरस से। तो चलिए अभी हमें पीपल के पेड़ के पास रख रही हूँ, बरगद के पेड़ के पास रख दी थी, और फिर यहाँ पर रख रही हूँ। मेरा माचिस तेल से लग के ना पूरा घी से पूरा खरा, मतलब जल्दी जलता ही नहीं, किसी तरह से जल जा रहा है, दो जगह रखी ना तो हाथ में लग जाता है। तो चलिए मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, भोले बाबा अपनी कृपा सब की अपना बनाए रखें। और इस ड्रेस में ना मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, बहुत मोटी खुद को लग रही हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा था ये ड्रेस पहन के मुझे, अब हो गया ले ही ली हूँ। हम देख रहे वीडियो ना एडिट करें, बहुत मोटी लग रही हूँ मैं खुद।